प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल स्वर्ण जयंती समारोह में आपसे हाजरी। प्रधानमंत्री आ प्रसंगे एनईसी की सत्तावार योजना बैठक तो एक जाहिर सभा ने पण करशे संबोधन। केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजुए अरुणाचल प्रदेश तवंग की लीधी मुलाकात। भारतीय सैन्य जवानों साथे मुलाकात करी जवानों नो वधार्यो जोश। कहू तवांग नो यांगसे क्षेत्र संपूर्णपणे सुरक्षित। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह फिक्कीना 95 मा वार्षिक सामान्य बैठक में कर्यु संबोधन। कहू 25 वर्ष में भारत की विकास यात्रा सतत अने समावेशी। अन्य देशों की तुलना में भारत में फुगावानो दर ओछो। चीन की घुसणखोरी मामले राहुल गांधी निवेदन अनुसंधान में कांग्रेस पर देश हित थी ऊपर राजकारण ने महत्व आपवानो लगाव्यो आरोप। भाजपे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कर्यो शाब्दिक हुमलो। राहुल गांधी ने गणाव्या भारतना जयचंद। कहूं कांग्रेस अने राहुल गांधी तोड़ी रहा छे देशनी सेनानु मनोबल। सुप्रीम कोर्टे बिलकेस बानो केसनी पुनः विचार अर्जी करी रद्द। बिलकेसे 13 मे ना आदेश पर पुनः विचार नी करी हती मांग। भारतीय जनता पार्टी आज पाकिस्तान विदेश मंत्री ने विरोध में करशे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं शुक्रवार दिल्ली में पाकिस्तान उच्च आयोग की सामे कर्यू हतु विरोध प्रदर्शन। तो गुजरात में भाजप द्वारा ठेर ठेर बिलावल भुट्टो पुतला दहन कर नोधवायो विरोध। राज्यना केरी रसिको माटे आनंदना समाचार। डिसेम्बर महिनाना प्रारंभथी ज आंबा पर सारा प्रमाणमां मोर आवता खेडूतोमां खुशी। गीर पंथकमां आ वर्षे केरीनो सारो पाक ઉતરે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરતા ખેડૂતો। ભારત અને બાંગ્લાદેશના પ્રથમ ક્રિકેટ મેચનો આજે ચોથો દિવસ। ટીમ ઇન્ડિયાએ બાંગ્લાદેશ સામે મૂક્યો 513 રનનો લક્ષ્યાંક। ગિલ અને પુજારાએ સદી બનાવતા મેચમાં ભારતની સ્થિતિ મજબૂત। તો બાંગ્લાદેશે 6 વિકેટના નુકસાન સાથે બનાવ્યા 260 રન। ભારતે FIH મહિલા હોકી નેશન્સ વર્લ્ડ કપના ફાઇનલમાં મેળવ્યું સ્થાન। આજે ફાઇનલમાં સ્પેન સાથે રમશે મેચ। શુક્રવારે સ્પેનના વેલેન્સિયામાં રમાયેલી સેમિફાઇનલ મેચમાં ભારતે આયર્લેન્ડને પેનલ્ટી શૂટઆઉટ દ્વારા 2-1 થી આપી હતી હાર।